हेलो वेलकम है गाइस, स्वागत है आपका डिफेंस रिसर्च स्पेशलिस्ट सब्सिडी फॉर बाय स्टॉक। हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग आपके डिमांड पर एक एजुकेशनल वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी स्टॉक्स के ऑप्शन में या इंडेक्स के ऑप्शन में फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% से लेकर 98% तक आपकी सही बैठती है। तो बेसिकली हम लोगों ने कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी जनरेट की है जिसके बेसिस पर हम लोगों ने कई बार एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया है, बुक किया है। तो यहाँ बेसिकली हम लोग EMA स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। EMA स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग दो बार इस्तेमाल करेंगे इसका एक ही चार्ट के ऊपर, और जहाँ से भी हम लोगों को इंडिकेशन मिलेगा बाय करने का वहाँ पर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे। एंड किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इसका इम्प्लीकेशन होगा, सीधा हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर बिना टाइम वेस्ट करे हुए और चार्ट पर सीधा उसको लगा के एक बार उसका टेस्ट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। तो देखिए, सीधा हम लोगों ने चार्ट पर आ चुके हैं। अगर आप चार्ट पर आते हैं तो आप देखिए लास्ट मार्केट देखो कहाँ पर ओपन किया था। मार्केट ने लास्ट जो ओपन किया था 19,560 के आसपास ओपन किया था। और जो लोग पेड टेलीग्राम के अंदर हमारे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने आपको 19,500 का पुट ऑप्शन दो बार बाय कराया था, और सेकंड टाइम में बड़ा टारगेट हमको मिला था क्योंकि मार्केट ने सरेंडर कर दिया। यहां से मार्केट ने एक बार फिर से डाउन साइड पकड़ा। अब देखिए हुआ ये था लास्ट मार्केट के अंदर कि मार्केट ने कई बार अटेम्प्ट लिए और 19,500 के लेवल को तोड़ा नहीं। इससे पहले मार्केट ने 10 तारीख को भी एक अटेम्प्ट लिया था, यहाँ भी मार्केट ने सपोर्ट बनाया। फिर सेकंड टाइम मार्केट ने अगेंस्ट एक दिन पहले 19,500 का सपोर्ट बनाया था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने लास्ट फ्राइडे सेशन में 19,500 को ब्रेक किया तो वहां से मार्केट के 19,500 क्या बन चुका था, रजिस्टर्स बन चुका था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो चार्ट पर हम लोगों ने यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ है कि ये मार्केट के लिए क्या बन चुका था लास्ट फ्राइडे सेशन में, ये बन चुका था इसका रजिस्टेंस। तो पहले हमने क्या किया, जैसे ही 19,490 के आसपास मार्केट आया वहां से हम लोगों ने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और उस स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों ने पुट ऑप्शन बाय किया। और आपको भी याद होगा जो टेलीग्राम पर हमारे पब्लिक ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको भी हमने क्या कहा था कि 19,450 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट 19,450 से बाउंस बैक लेता है तो हम लोग 19,530 का स्टॉप लॉस लगा करके एक बार डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे और डाउन साइड में अच्छा टारगेट अगेन हम लोगों को मिल सकता है। आपने देखा मार्केट ने 19,450 के लेवल को रेजिस्टेंस के रूप में ना सिर्फ फेस किया उसके नीचे क्लोज किया। तो ये टेक्निकल जो पैरामीटर्स होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, वो हमको बहुत अच्छी कन्विक्शन देते हैं ट्रेड करने के लिए, प्लस हमको कॉन्फिडेंस भी आता है। ये तो था इंट्राडे ट्रेड की बात। अब इसी तरीके से आपको मालूम होगा कि जो बड़े जो FIIs होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हाउस होते हैं, वो अपनी पोजीशन एक एक महीने के लिए बनाते हैं। यानी एक महीने का वो अपना व्यू बनाते हैं कि एक महीने यानी आने वाले जो अगले महीने की एक्सपायरी है या फिर दो महीने बाद की जो एक्सपायरी है उसमें मार्केट कहाँ जा सकता है। तो वो लोग एक एक महीने दो दो महीने आगे की पोजीशन में खेलते हैं, यानी वो लोग दो महीने आगे की कॉल लेते हैं या फिर दो महीने आगे की पुट लेते हैं। तो वो लोग कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, चार्ट पर इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हम डेली चार्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया है, और यहाँ से हमको सबसे पहले करना क्या है, जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स लगे हुए हैं उसको पहले हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ मैंने इंडिकेटर्स को रिमूव कर दिया है, सिर्फ मैंने एक ही इंडिकेटर फिलहाल अपने चार्ट पर रखा हुआ है, और ये हमारे सामने है बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड को अभी हम लोग लगा के रखते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें एक और इसके अंदर क्या करना है, EMA लगाना है। EMA के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, FX के अंदर आपको मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग इंडिकेटर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से FX पर हम लोग आए, यहाँ पर हमको सर्च करना है EMA। जैसे हम लोग सर्च करेंगे EMA तो आपको फर्स्ट वाला मिलेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हमें क्या करना है, क्लिक करना है। ये हमारे चार्ट पर लग चुका है, चार्ट पर आपको बॉलिंगर बैंड के साथ में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सेटिंग में जाएंगे EMA पर, और इसकी सेटिंग में जाके पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर में इसका हम लोग कलर कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, सो दैट कि हमारे को लाइन दिख जाए। और हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लेंथ में जाकर के इसको 50 डेज में सिलेक्ट कर लेंगे, और देन उसके बाद ओके। अब देखिए आपको ये वाली एक लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी ब्लैक कलर की, ये आपका क्या है, ये आपका 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी। एक काम करते हैं हम लोग, आपको और इजी कर देते हैं क्योंकि कई लोगों को चार्ट पर हो सकता है कि ना दिख रहा हो, तो हम इसको यहाँ से बॉलिंगर बैंड को एक बार हाइड कर देते हैं। तो देखिए ये अब आपके सामने सिर्फ जो लाइन आपको दिख रही है ये लाइन आपकी 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब इस 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ हम लोगों को एक बार और EMA स्ट्रेटजी लेनी है, एक और EMA लगाना है। यहाँ से हमने लगा लिया एक और EMA, इस बार हमने इसमें वापस जाकर के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके यहाँ पर इसको हम 200 डेज में सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी अब हम लोग यहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाएंगे।
200 दिन का मूविंग एवरेज लगा के स्टाइल में जाते हैं, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, हम लोग इसका कलर रेड कर लेते हैं ताकि आपको ये लाइन दिख जाए, या फिर इसको हम ग्रीन कर लेते हैं सो दैट कि हमको ग्रीन सिग्नल मिले, लाइन को थोड़ा थिक कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा लाइन, ठीक है। अब आपके सामने देखो यहाँ पर हमने दो ईएमए लगाए हैं, एक 200 डेज का लगाया है और एक 50 डेज का लगाया है। अब देखो जब भी नीचे से आप देखेंगे, नीचे से जब भी 50 डेज का ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस करेगा, ये आपका क्या है 50 डेज का ईएमए है, और जो ग्रीन वाली लाइन है ये आपकी क्या है 200 डेज का ईएमए है। जब भी 50 डेज का ईएमए 200 डेज के ईएमए को नीचे से क्रॉस ओवर करेगा तो वहां से हम लोगों को इंडिकेशन मिलेगा हमें ट्रेड इनिशिएट करना है कॉल की साइड में, यानी लॉन्ग, हम लोगों को लॉन्ग जाना है। अब देखिए चार्ट पर हम लोग आते हैं, तो चार्ट पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लिया है, थोड़ा और बड़ा कर लिया है। लास्ट टाइम देखिए मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था 19,887-889 के आसपास का हाई बनाया था, और ये जो मार्केट ने अपना हाई बनाया था ये बनाया था पिछले साल दिसंबर के आसपास। उसके बाद से मार्केट आपने देखा डाउन साइड चल रहा है, लगातार मार्केट जो है डाउन साइड चला, और इस साल मार्च और अप्रैल महीने के बीच में मार्केट ने अपना एक बॉटम बनाया और उसके बाद मार्केट रॉकेट बना हुआ है। अब अगर आप चार्ट पर ध्यान से देखोगे जो हम लोगों ने टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, आप देखिए मार्केट में इससे पहले क्या हो रहा था, ये जो 50 डेज का ईएमए है वो ऊपर से काट रहा था 200 डेज के ईएमए को, ये 50 डेज का ईएमए, ये 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो पहले ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा था, और जब भी ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तो हमारा जो ट्रेड होना चाहिए वो होना चाहिए पुट ऑप्शन की साइड में, क्योंकि इस तरह से मार्केट में हम लोगों को सेल का इंडिकेशन मिलता है। और अगर नीचे से काटता है टर्न अराउंड करके तो हम लोगों को इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट के अंदर तेजी आने वाली है। एक बार इसको वापस हम लोग डिलीट करते हैं, लेकिन हमको ट्रेड कब लेना है, हमको ट्रेड लेना है जब नीचे से क्रॉस ओवर करने के बाद वापस मार्केट जो है 50 डेज के ईएमए के पास आएगी। अब आप देखिए यहां से मार्केट ने यहां पर हम लोग को नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया, यानी कि अब हमको यहां से क्या करना है, सेल नहीं करना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा सेल कर चुका है। लेकिन यहां से हम लोग को क्या किया, मार्केट ने एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया। पॉजिटिव क्रॉसओवर कैसे दिया, ये जो ब्लैक वाली लाइन है 50 डेज का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है, और ग्रीन वाला क्या है 200 दिन का 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अब जैसे ही नीचे से 250 डेज के ईएमए ने 200 डेज के ईएमए को क्रॉस किया, वैसे ही हमको ऑप्शन सिग्नल मिलता है किस चीज का बाय करने का। लेकिन सिर्फ क्रॉस ओवर करने पर ही हम लोग बाय नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग फेक ब्रेकआउट में फंस भी सकते हैं, तो ऐसे में हमको क्या करना होता है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इस पॉइंट पर क्रॉस ओवर किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है जाने देते हैं, अभी हम लोग अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट गिर करके जैसे ही इस लाइन के पास आती है वहां पर, यानी 50 डेज के पास आती है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, यहां से हम लोग एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा कौन सा रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 200 दिन का जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यानी मार्केट ऊपर गया और फिर इसके बाद नीचे आया, 50 डेज के पास मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया। यहां से देखिए अब जैसे ही किसी ने ट्रेड लिया होगा कॉल ऑप्शन में सी के अंदर 200 डेज को एज अ स्टॉप लॉस लगा के, आप देखिए लगातार मार्केट जून के महीने से, यहाँ जून है और यहाँ अगस्त का फर्स्ट वीक आ चुका है, यानी लगभग पूरे एक महीने तक मार्केट के अंदर क्या रही है, तेजी वाला माहौल रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी 200 डेज के ईएमए को 50 डेज का ईएमए नीचे से काटता है तो हम लोगों को बाय का सिग्नल मिलता है, और मार्केट थोड़ा करेक्शन पकड़ता है 50 डेज के ईएमए के पास आती है, वहां से हमको क्या मिलता है, स्ट्रांग एंट्री करने का ट्रिगर मिलता है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको सेल कब करना है, जब भी मार्केट क्या करती है 50 ईएमए के पास आती है, आप देखिए मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट ने अपना 20,000 का हाई बनाया, मार्केट ने 20,000 का हाई बनाया, यहां से मार्केट लगातार गिर रहा है। अगर मार्केट गिर करके 50 डेज के ईएमए को गलती से भी ब्रेक करता है तो यहां से हम लोगों को इंडिकेशन मिलेगा कि अब मार्केट के अंदर एक बड़ा सेल आने वाला है, यानी कोई भी जो है अभी फिलहाल इस लेवल पर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो इंडिकेशन है जो हम लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड इनिशिएट करने का मौका देता है। अगर आप यहां से देखेंगे, मार्केट ने हाई बनाया था, यहां से अगर किसी ने सेल किया होगा, यहां से लगातार जो है इंडिकेटर जो है डाउन साइड पे जा रहा है, और मार्केट भी लगातार आप देखेंगे तो डाउन साइड पे जा रहा है। ये तो हो गया आपके लॉन्ग टर्म के लिए। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो ठीक है, ये तो काफी पुराना डेटा अगर हम लोग देखें तो पिछले एक महीने में, आप एक महीने पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर किस तरह का क्रॉसओवर बन सकता है। अभी तो हम लोगों को फिलहाल यहाँ ना तो नेगेटिव क्रॉसओवर बनता नजर आ रहा है, ना तो पॉजिटिव बनता नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं मैजिकल टूल। अगर जो लोग भी इंडिकेटर यूज करते हैं तो उनको मालूम होगा घोष टूल के बारे में। देखो यहां से हम लोग आएंगे, आपको ड्राइंग टूल्स के अंदर एक टूल मिलेगा जिसका नाम है घोष फीड। घोष फीड पे आप क्लिक करना,
अब क्या करना, मार्केट ने जो इससे पहले हाई बनाया था अपना, उसके पास जाना। देखो मार्केट ने अपना हाई कहाँ से बनाया था, इस लेवल से बनाया था। देखो मार्केट ने अपना हाई कहाँ से बनाया था, इस पॉइंट से रिवर्सल लिया था मार्केट ने और मार्केट यहां तक गया हाई। अब आप यहां से एक काम करना, घोष टूल पर एक टूल हम लोग बनाएंगे। देखो मार्केट में यहां से हम लोग क्या करते हैं, हाई लिया मार्केट ने, हाई बना के फिर थोड़ा सा लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने लो बनाया, देन उसके बाद हाई बनाया, फिर धीरे धीरे करके मार्केट लो करके जाता है, फिर थोड़ा हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और उसके बाद मार्केट अपना एक फ्रेश लो बनाता है। तो हमने घोष टूल से क्या किया, प्रीवियस पैटर्न का एक हमने क्या कर लिया, इमेज ले लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उठा करके आगे लेके जाएंगे। हम लोग सारे इंडिकेटर को हाइड कर देते हैं और इस टूल को हम लोग आगे लेके जाते हैं। अब इसको आप यहां पर रख दो, तो आपको देखो मार्केट लगभग लगभग सेम पैटर्न बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो देखो सेम एग्जैक्टली वही पैटर्न बन रहा है। मार्केट ने यहीं से रिवर्सल लिया, थोड़ा इसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए। ये देखो मार्केट, देखो एग्जैक्टली मार्केट ने यहां से क्या किया, हाई बनाया, फिर थोड़ा लो लिया, फिर उसके बाद मार्केट ने अपना टॉप बनाया, फिर मार्केट ने क्या किया, लो बनाया, फिर अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर नया लो बनाया, फिर पिछले वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर हो सकता है मार्केट नया लो बनाए, फिर उसके बाद मार्केट क्या करे, एक प्रीवियस हाई को ना ब्रेक करे, हल्का जंप आए, फिर मार्केट लो बनाए, और ऐसे करते करते मार्केट हो सकता है हम लोगों को वापस से एक नया लो बना के दे सकता है। तो इस केस में जब हमारे इंडिकेटर्स काम नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस जो डेटा होता है उसका हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, एक तरह से उसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं घोष फीड। घोष फीड से हम लोगों को प्रीवियस पैटर्न जैसा पैटर्न बनते हुए एक बार दिख जाता है, और उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा और इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो देखो अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी टॉप बना चुका है, मार्केट ने लो बनाया था, फिर थोड़ा रिवर्सल दिखाया, ट्रैप किया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक नया लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिखाया लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, हमको नीचे लेके आ रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस जो कैंडल्स बन चुकी होती हैं उसके बेसिस पर भी हम लोग आगे का, यानी एक हफ्ते दो हफ्ते का हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो आज के लिए गाइस फिलहाल इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग आपके लिए लगातार लेकर के आने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो में हमें सराहनीय मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। ठीक है।